देखा है, मैं जो महसूस करता हूं, जब तक ये गठबंधन नहीं किए थे तब तक तो यह चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ रही थी, लेकिन जब से ये गठबंधन करके सबने तय किया कि मोदी को रोकना है और बाकी कुछ लक्ष्य नहीं है, क्योंकि मोदी दोबारा आ जाएंगे तो भ्रष्टाचार के एक एक पाप का दंड दिए बगैर मोदी छोड़ेगा नहीं। इसे तो लड़ाई जो लड़ाई भारतीय जनता पार्टी लड़ रही थी, आज देश की जनता उस लड़ाई को अपनी लड़ाई मान लिया है और मोदी जी को देश की बागडोर फिर से सौंपने के लिए, यह सही है कि गलत है बताइए, देश फिर से बागडोर माननीय मोदी जी को देने के लिए ठान लिया है। भ्रष्टाचार का अंत करना है, आतंकवाद का अंत करना है, गरीबी मिटाना है, तो मोदी जी को फिर से लाना है। मिलेगा जिसने शपथ लेने के दिन से एक दिन की भी छुट्टी ना दिया हो और 12 घंटे काम नहीं किया, कम से कम 18 घंटे काम किया है और भारत के ही सर्वोच्च नेता रही है, विश्व का सबसे शक्तिशाली नेता 56 इंच के सीने वाला मेरा नरेंद्र मोदी है। आज किसी दुनिया में देश को मिला है क्या कि वही दुनिया के किसी देश का प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत योजना शुरू करना हो